दोस्तों नमस्कार अर्थव्यवस्था की लाल बत्ती जल चुकी है सरकार अपने कानों में रुई ठूस चुकी है आंखों पर पट्टी बांधे हुए है लेकिन अर्थव्यवस्था की लाल बत्ती ने अगर महंगाई दर का 24 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है तो इसके असर अब बैंकों पर पड़ रहे हैं शेयर बाजार पर पड़ रहे हैं आम आदमी तो पहले से ही त्रस्त था और आंकड़ों से खिलवाड़ करती हुई सरकार को भी अब सूझ नहीं रहा है कि महंगाई दर को कितना कम करे आंकड़ों के लिहाज से कितना कम कर सकते हैं वो कम कर नहीं पाई उन्नीस में पंद्रह फीसदी पार थोक महंगाई दर थी आज की तारीख में जब रिपोर्ट आई तो पता चला पंद्रह फीसदी पार कर चुकी है 2014 में मनमोहन सिंह के काल में खुदरा महंगाई दर आठ फीसदी पार की थी और दो दिन पहले ही खुदरा महंगाई दर ने आठ फीसदी पार कर लिया यानी मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर अपने सबसे बुरे काल में जी रही है लेकिन क्या वाकई उसके पास कोई रास्ता है क्योंकि एल जैसी कंपनी जो शेयर बाजार में जब जब गई शेयर बाजार में रौनक आ गई कोई डूबेगा नहीं इसका पैसा कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा और सरकार ने भी अपने सीने पर तमगा एल का ही लगाया चाहे वो आई बैंक डूबे या कोई भी कंपनी डूबती हुई नजर आए तो सरकार उसे उबारने के लिए एल का पैसा वहां लगा ही देती है और एल के शेयर्स की लिस्टिंग में ही एल के निवेशकों को पहले दिन ही झटका लग जाए सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है लेकिन हुआ है बैंकों के पास पैसा देने को नहीं है क्या वो पैसा एल में क्यों लगाएंगे वह तो अडानीस को पैसा देंगे जो खुद दो लाख बीस हजार करोड़ के कर्ज में डूबे हुए हैं लेकिन गाहे बगाहे उनसे तो पैसा आ जाएगा वो सरकार के साथ हैं तो पैसा रोका भी नहीं जाएगा लेकिन एल से पैसा कैसे आएगा इस शेयर बाजार से पैसा कौन निकालेगा तो बैंकों ने भी क्या हाथ पीछे कर लिए हैं और ये तमाम परिस्थितियां जिस लाल बत्ती की दिशा में इशारा कर रही है कहीं वह वा घबराने वाली स्थिति तो नहीं है क्योंकि महंगाई के दायरे में धीरे धीरे हर कोई आ रहा है बैंक आ रहे हैं शेयर बाजार आ रहे हैं सारे सामान आ रहे हैं लोगों की जमा पूंजी आ रही है और जो निवेशकों ने अपने पेंशन की रकम लगाई एल के आईपीओ को खरीदने में जो उन्होंने शेयर्स खरीदे पहले दिन ही उन्हें साढ़े आठ फीसदी तक का नुकसान हो गया तो आने वाले वक्त की स्थिति उज्जवल है या अंधेरे में समाई है जो भी कहिए, लेकिन आज शुरुआत उस महंगाई दर से जिसने उन्नीस का रिकॉर्ड के नजदीक आकर खड़ी हो गई है उन्नीस में पंद्रह दशमलव तीन दो फीसदी महंगाई दर की हुआ करती थी और आज जो रिपोर्ट सरकार की आई उसमें बताया गया पंद्रह दशमलव बरस बरस महीने महीने मार्च में अगर यह साढ़े चौदह फीसदी फरवरी में अगर यह साढ़े तेरह फीसदी उससे पहले ग्यारह फीसदी इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि यकीनन सरकार की आंखों पर पट्टी बंदी है कानों में जू नहीं रेंग रहा है और उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है और पॉलिसी है तो पॉलिसी पैरालिसिस कुछ ऐसी है। आज एक कल दूसरी नीति एल को लेकर जो वैल्यूशन किया गया वो इतना कम वैल्यूशन क्यों किया गया कोई नहीं जानता है जबकि हर कोई जानता है कि इस एल के ऊपर पांच करोड़ से शुरुआत की गई थी और इसने अपने इस पूरे उम्रकाल में तेईस लाख करोड़ रुपए सरकार को यह दे चुकी है और देश के भीतर में इतनी बड़ी कंपनी आपको कहीं नहीं मिलेगी जिस कंपनी में एक लाख कर्मचारी काम करते हो जिस कंपनी में बारह लाख एजेंट हो और इस देश के तीस करोड़ लोग पॉलिसी धारक हो ग्यारह लाख करोड़ का वेल्यूशन हुआ हो लेकिन इन सबके बीच जब मार्केट कैप हुआ तो पहले दिन ही पचास हजार करोड़ का झटका लग गया क्योंकि मार्केट कैप में छ लाख करोड़ करके आप शेयर बाजार पहुंचते हैं और वहां पर एनालिसिस होता है कि ये नहीं ये पांच लाख अड़तालीस हजार करोड़ ही इसका मार्केट कैप है लिस्टिंग के लिहाज से यह पांचवें नंबर पर आ जाती है इसके आगे इंफोसिस भी है एस भी है टी भी है रिलायंस इंडस्ट्री भी है लेकिन यह पांचवें नंबर पर है जो इतनी बड़ी कंपनी देश में तमाम डूबती हुई कंपनियों को उबारने वाली और पैसे से मदद करने वाली जो पॉलिसी धारक है उनको पहले दिन झटका लगा झटका इसलिए क्योंकि उन्होंने जितने में भी शेयर खरीदा उस एक शेयर में प्रति शेयर उनको डिस्काउंट के बाद भी बाईस रुपए का नुकसान पहले दिन हो गया और जो रिटेल और कर्मचारी के कोटे से जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया था उनको पैंतालीस रुपए का डिस्काउंट था और उनको सैंतीस रुपए का नुकसान हो गया प्रति शेयर और प्रति शेयर के हिसाब से चीजें नहीं बिकती है पंद्रह शेयर्स के लॉट के हिसाब से बिकी थी और खरीदी जाती है यानी पंद्रह पॉलिसी धारकों को तीन रुपए का नुकसान सीधे सीधे और जो रिटेल और कर्मचारी थे उनको पाँच रुपए का नुकसान सीधे सीधे यहाँ से सबसे बड़ा सवाल यही ये यह कॉन्फिडेंस बाजार का नहीं है सेंटिमेंट्स जो बाजार के हैं सरकार उसको समझ नहीं पा रही है टेक ऑफ करने की स्थिति में भी वो नहीं आ पाया ब्रोकर्स ने रुचि नहीं दिखाई क्या जानबूझकर कर LIC को कहीं आने वाले वक्त में निजी हाथों में सौंपने की तैयारी तो नहीं है और ये एक एनालिसिस है क्योंकि जैसे ही आपकी कीमत कम हो गई आपके बिजनेस पर असर पड़ेगा और आप तो 10 परसेंट तक जाने वाले हैं तो इसके बाद के साढ़े छः परसेंट आप कितने में बेचेंगे वैल्यूशन क्या और कम होगा वैल्यूशन जब और कम होगा तो दूसरा खरीदार खुल तोड़कर सामने आएगा ये सारी परिस्थितियां मौजूदा वक्त में उस अर्थव्यवस्था की लाल बत्ती को दिखा रही है जिस पर से सरकार ने आंख मूंदी हुई है जो महंगाई है उसके दायरे में ये सब क्यों आ गए और इसके दायरे में क्यों फंसते चले जा रहे हैं इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज इस रूप में समझ लीजिए महंगाई का सबसे बुरा असर किसी के जरिए पड़ा है तो वह है पेट्रोल और डीजल आर खुद मान रही है आर तो यह भी कह रही है अब आने वाले वक्त में अभी हम नहीं कह पाएंगे कि आपको राहत रियायत महंगाई से मिलेगी या नहीं मिलेगी उसने हाथ खड़े कर दिए हैं पेट्रोल डीजल की वजह युद्ध से जोड़ा जा रहा है अनाज संकट युद्ध से जोड़ा जा रहा है और इस दौर में शेयर बाजार से खिलवाड़ सरकार ये जानते समझते हुए कर रही है कि सेंटिमेंट्स बाजार के ठीक नहीं है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एल पर दाव नहीं लगाया क्योंकि उनका कहना है ना तो उनको एल के डॉक्यूमेंट्स दिए गए ना जो वेल्यूशन की गई वह ठीक नजर आ रही है तो ऐसे में वो कैसे वो इंतजार करेंगे मैसेज बहुत साफ है कि आप इस अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं और खिलवाड़ करते करते स्थितियां इतनी नाजुक हो गई जो आपकी इकोनॉमी के बैरोमीटर्स हैं वही डगमगाने लगे हैं और बैंक भी अपने तौर पर कितना पैसा किसे देगा वो बोराइंग कम कर देगा वो पैसा कम लेना शुरू कर देगा कौन सी स्थिति है इस बात को इस रूप में समझिए कि एस की रिसर्च रिपोर्ट और अब आने वाले वक्त में जब वो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक जून और अगस्त में होनी है तो इस रिसर्च रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि उस जून और अगस्त में इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं यानी जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है उनकी ई एमआई जो है और बढ़ जाएगी यानी और दुख के दिन आपके और हमारे सामने आने वाले हैं लेकिन सरकार इस दिशा में नहीं जा रही है अगला सवाल क्या वाकई जो पेट्रोल डीजल है उसके अलावे कुछ नहीं जी नहीं सबसे बड़ा असर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का भी है जिसकी महंगाई दर 10 फीसदी से ज़्यादा हो चली है और रिटेल सेक्टर और थोक यानी दोनों को जब मिलाकर चलना शुरू कीजिएगा तो इसको इस बात से समझिए कि जो हम लोग खरीदते हैं सामान उसमें सबसे बड़ा हिस्सेदारी फूड एंड उसके प्रोडक्ट्स की होती है तकरीबन 45 फीसदी और इस 45 फीसदी को लेकर थोक महंगाई दर जो है वह लगभग 20 से 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी पर है इसका मतलब है कि अगली बार जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा रिटेल सेक्टर में महंगाई दर और बढ़ गई इसके बाद जब आप थोक महंगाई दर सुनेंगे तो पता चलेगा वह 16 परसेंट भी पार कर गई लेकिन इसके असर निचले स्तर पर क्या हो रहे हैं और इस देश के भीतर क्या हो रहे हैं और बैंकों की हालत नाजुक क्यों हो चली है इस देश में जनता को राहत और रियायत देने के नाम पर आरबीआई हाथ खड़े क्यों कर रहा है और सरकार इकोनॉमी को लेकर चू भी कर पाने की स्थिति में क्यों नहीं आ रही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पर महंगाई दर दस दशमलव आठ पांच फीसदी लेकिन फूड प्रोडक्ट्स पर जो महंगाई दर खुदरा में है वो पैंतालीस फीसदी तक है और हाउसिंग में दस परसेंट कपड़े पर साढ़े छः परसेंट जब आप थोक महंगाई दर में जाते हैं तो उसमें तीन चार प्रोडक्ट्स बड़े मायने रखते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की हिस्सेदारी सबसे बड़ी होती है लगभग साठ पैंसठ परसेंट होती है फूड दूसरे नंबर पर आता है लगभग बीस परसेंट फ्यूल और यानी डीजल और पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी यह तीसरे नंबर पर आता है लगभग पंद्रह परसेंट ये सभी जो हैं एवरेज के ऊपर है यानी पंद्रह परसेंट के ऊपर हैं इनकी जो बढ़ोतरी हो रही है असर और कितना भयानक किस रूप में होने वाला है यह सिर्फ उसकी दिशा में इंगित करती हुई चीज़ें हैं एस की रिसर्च रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि अब हम कर्ज इस रूप में नहीं दे सकते हैं जहां पर जरा सा भी चांस हो कि पैसा लौटेगा नहीं यानी जहां वाइबल डाइवल स्थिति है वहां पर हम पैसा किसी को नहीं देंगे तो क्या शेयर बाजार में एल की लिस्टिंग के दिन भी बैंक पैसा देने को तैयार नहीं है नहीं है तैयार ये एक फैक्ट है उसके बाद आइए कि सामान्य तौर पर जब बड़े आईपीओस की लिस्टिंग होती है तो फर्स्ट डे का परफॉर्मेंस देखा जाता है और फर्स्ट डे का परफॉर्मेंस में एल का जिक्र होते ही जो इतनी बड़ी कंपनी है आपको कुछ कंपनी के नाम याद होने चाहिए जैसे कोल इंडिया कोल इंडिया की पहले दिन जो हुई थी उसमें वह 17.45 परसेंट ऊपर था एल 8.11 परसेंट नीचे है रिलायंस पावर जब पहली बार आईपीओ लेकर आया और लिस्टिंग जब जिस दिन फर्स्ट डे हुई उसकी 21.73 परसेंट ऊपर थी एल नीचे है ऐसा नहीं है बाकी लोग नीचे नहीं होते हैं लेकिन वो कौन सी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी लिस्टिंग हुई है उसमें ध्यान दीजिए दो कंपनियों के नाम जहन में आएंगे सेंट्रल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वह सिक्स माइनस थी लेकिन इससे भी बुरी हालत में एल है सोचिए क्या स्थिति है और एल के शेयर जो आज खरीदने वाले थे उसमें एल की जो सब्सिडरी थी जो पेंशन वाली एल की कंपनी है उनके लोग शेयर खरीद रहे थे यानी स्थिति कितनी नाजुक है और दूसरी कंपनी 197 कम्युनिकेशन इसमें जो लिस्टिंग हुई थी फर्स्ट डे वो 9.07 माइनस में गई थी ये सबसे मैक्सिमम नीचे गई थी लेकिन सवाल ये है कि जब एल के शेयर ख़रीदे जा रहे थे 16 करोड़ शेयर थे सब्सक्राइब 2.9 गुना ज्यादा किए गए यानी लगभग सैंतालीस करोड़ शेयर लिए गए और शेयर खरीदने के बाद अब अगर किसी शेयर वाले से पूछिए क्या करोगे तो उसका कहना भी एक महीना इंतजार करेंगे देखेंगे कि एंकर इन्वेस्टमेंट को लेकर और जब मार्केट के लिए चीजें खुलती हैं तब क्या होता है लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स इजाजत इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि सरकार की इकोनॉमी पॉलिसी में इसका कोई रास्ता नहीं है कि आने वाले वक्त में महंगाई कैसे कम होगी और महंगाई अगर कम नहीं होगी तो हर किसी ने हाथ खड़ा कर दिया है बैंकों ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है कि हम कैसे किस रूप में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएं हम कैसे किस रूप में पैसा ज़्यादा नहीं दें हम कैसे चीज़ों को बचा के रखने की स्थिति में आ जाए ये बैंक कह रहे हैं आर कह रहा है आखिरी सवाल जो शायद सबसे बड़ा सवाल है जब सेंटिमेंट इस देश के भीतर में इकोनॉमी को संभाले हुए शेयर बाजार के बैरोमीटर सरीखी चीज़ों के सरकार से हटकर हो, जब बैंक के सेंटिमेंट सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी से उलट दिशा में जा रहे हों ये कहते हुए कि सरकार अभी भी इन इन चीज़ों पर कार्रवाई नहीं कर रही है इसलिए चीज़ें हाथ से निकल रही है और इन सब के बीच जो इस देश के भीतर का जो एक आम तबका है महंगाई को लेकर वह जब दो चार होता है तो उसके सामने कुछ ऐसे मुद्दों को रखा जाता है जिससे उसकी भावनाओं में उफान आ जाए वो कोई भी मुद्दा हो सकता है वो आस्था का मुद्दा हो सकता है वो संस्कृति से जुड़ा मुद्दा हो सकता है लेकिन रोजी रोटी प्रोडक्शन बाजार उपलब्धि इस देश की इकोनॉमी इससे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आप ध्यान दीजिए इस दौर में चर्चा हो ही नहीं रही है और जब ये चर्चा बंद हो गई है तो छह चीजों पर सीधा असर अब नजर आ रहा है पहला असर आम लोगों पर जिनके सामने महंगाई बु खड़ी है कि अब तुम्हारे पास कोई राहत तो और रियायत नहीं है दूसरी स्थिति बैंकों की महंगाई दर बैंकों से मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से कहीं ज्यादा है तो तीसरी स्थिति में आपके पास रखा हुआ धन धीरे धीरे कम होता जा रहा है चाहे वो बैंक में रखिए चाहे घर में रखिए उस पर इंटरेस्ट जो बैंक से आपको मिल रहा है चाहे वो करंट में मिले चाहे वो सेविंग में मिले चाहे एफडी में मिले और इन सब के साथ साथ जो अगर आप इक्विटी में जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं और वहां पर भी अगर शेयर मार्केट के सेंटीमेंट उसके अनुकूल नहीं है तो इन सारी परिस्थितियों से निकलकर एक हिस्सा सबसे बड़ा सवाल आता है कहां लगाएगा जिससे उस पैसे की कीमत आने वाले एक साल तक बनी रह जाए रास्ता बंद हो गया नहीं है रास्ता दूसरी परिस्थिति अगर पैसे वाले के पास अपने पैसे की रकम को उस कीमत को बरकरार रखने की परिस्थिति में नहीं है तो बचा क्या सोना जमीन घर दुकान क्या बचा ये सारी चीजें इस दौर में जो इकनॉमी है उसमें नेगेटिव में जा रही है तो आप क्या करेंगे यानी भारत में लाल बत्ती जो इकोनॉमी को लेकर जल रही है उसने बड़ी साफ तौर पर तीन चार बातों को चाते हुए कह दिया है जिनके पास पैसा है वह रास्ता समझें कि उनका रास्ता अगर दूसरी करेंसी में खुद को तब्दील करने का है तो कर ले यानी ये रास्ता मल्टीनेशनल के रास्ते जाता है पैसे वालों के लिए इसीलिए इस दौर में जो भारत के बिलीनियर्स थे वह इस देश को छोड़ते चले गए ये पहली रा, राय है दूसरी राय जो तबका इस देश के भीतर सोच रहा है कि उसको रोजगार मिल जाएगा तो रोजगार मिलेगा कैसे क्योंकि जहां भी रोजगार मिलता है वहां पर कुछ प्रोडक्शन होता है अगर वह सर्विस सेक्टर में नहीं है तो प्रोडक्शन वाली जगह पर की कोई डिमांड नहीं हो रही है लोगों के पास खरीदने का पैसा नहीं है और यहां हालत आ गई कि जो पेंशन का पैसा भी इस दौर में निकाला जा रहा था वह भी इस बाजार ने उसको भी एब्जर्व कर लिया है यानी खत्म कर दिया है और तीसरी स्थिति इस देश में आम लोगों से जुड़ी हुई है जनता से जुड़ी हुई है इस देश के सामान्य नागरिकों से जुड़ी हुई है इस देश का रिजर्व बैंक जिसका काम ही है इन्फ्लेशन को रोकना महंगाई दर को नीचे लाना वह जब दोनों हाथों को खड़ा करके यह कहे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है महंगाई कम कैसे होगी और हम कोई उम्मीद भी नहीं बांधते हैं इसके उलट आने वाले वक्त में हमारी जब भी मीटिंग होगी जो जून और अगस्त के महीने में होगी हम आप पर कुछ और बोझ लादने को तैयार हैं तब इन तीन रास्तों से निकलकर आप सरकार की तरफ देखेंगे कि सरकार क्या कहती है सरकार ने चुप्पी थाम ली है और सरकार ने उन मुद्दों को उभारना शुरू कर दिया है जिन मुद्दों के आसरे इस देश के भीतर में शोर तो मचता रहे लेकिन पेट खाली ही रह जाए इस परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था में जलती हुई लाल बत्ती किसे दिखाई दे रही है और क्यों दिखाई नहीं दे रही है यह सवाल क्या वाकई कहीं कोई पूछेगा या ये सवाल आने वाले वक्त में शेयर बाजार बैंक आर गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी मॉनिट्री आस्पेक्ट्स और इस देश में आर की मीटिंगों पर ही निर्भर रहेगी और महंगाई भारत के भीतर में अपने पड़ोसियों की तुलना में ऐसा नहीं है कि कम है अगर रुपए की मूल्य डॉलर के मुकाबले देखें और भारत की जो ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसके मापक देखें और भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के गरीबी के दायरे को देखें तो आपको जानकर हैरत आ जाएगी भारत का सबसे गरीब तबके के जनसंख्या के भीतर पाकिस्तान समाज आएगा श्रीलंका समाज आएगा बांग्लादेश समाज आएगा नेपाल समाज आएगा मालदीव समाज आएगा और अफ़गानिस्तान भी समाज आएगा उन सारी जनसंख्या को जोड़ दीजिए उतनी बड़ी तादाद में इस देश में पांच किलो अनाज और गरीबी की रेखा से नीचे की परिस्थितियों में जीता हुआ हिंदुस्तान है और हम तो आपसे बात शेयर बाजार की करने निकल पड़े थे बैंकों की करने निकले थे यह तो एक चंद क्लास की जरूरत है उस चंद क्लास के सामने पहली बार इकोनॉमी की रेड लाइट आई है बाकी का समाज तो अलग है उसकी दुनिया अलग है इस दो हिस्सों के बीच में खड़े होकर सोचना शुरू कीजिए या ठाके लगाइए क्या वाकई स्थिति नाजुक है और कोई देखने वाला नहीं है या फिर इस त्रासदी पर गुस्से में आ जाइए क्या वाकई देखने वाला कोई नहीं है और यही सच है जो करना है कीजिए लेकिन स्थिति नाजुक है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया